Ladies and gentlemen, Pakistan winning against England in the second test in between Pakistan versus England in Multan is, is a joy. It's a moment of relaxation. It's, it's a moment where we need to take a deep sigh and say Shukar alhamdulillah for the changes that they have made, for the way that they have played, the harmony that they have showed, the sync that the team needs to have. I believe you me, I'm not kidding over here, but certainly gives me goosebumps in knowing that Pakistan have defeated England.

क्या ये चेंज हमें उल्टी ना पड़ जाए बट हैट्स ऑफ टू आकिब जावेद थिंकिंग द वे ही थॉट ऑफ इट उन्होंने कहा और यही बात होती है कि टेस्ट मैच आप तभी जीते जब आप 20 विकेट्स ले लें और वो ही हुआ साजिद नोमान देअर कॉन्ट्रीब्यूशन देयर एक्चुअली द विनर्स ऑफ दिस टेस्ट मैच

And Pakistan has always been known for its spin, and that is what worked for us. Exactly, today. and we play well against Spain as well. I think that there's one more gentleman who I would love to give this credit to as well, because uh, I think initially he gave these remarks right after team World Cup World Cup. we unfortunate for us to see we... यू एस से भी हारे हम बहुत ऐसी टीमों से हारे जो हमने नहीं कभी सोचा था एंड ही केम अप एंड ही सेड दैट दैट यू नो आई विल मेक श्योर बी इंटरवेंशन एंड बी अ सर्जिकल इंटरवेंशन तो वो जो आपका कॉन्सेप्ट है ना जिसमें आपने कहा कि यार टेस्ट मैच में जो है वो एकदम से जब तक सीरीज खत्म नहीं होती तो इस तरह के चेंजेस नहीं करने चाहिए आई एम श्योर कि जब उन्होंने ये बात की होगी उनके आसपास के कितने लोगों ने मैं चेयरमैन पीसीबी की बात कर रहा हूँ बिकॉज द वे द क्रेडिट इज ड्यू इट्स ड्यू एज वेल एंड इमेजिन कि कितने लोगों ने आके उनको कहा होगा कि सर तुम कि कर रहे हो सर थो नहीं करना चाहिए सर सीरीज़ के बाद कर लो बिकॉज यू नो बिलीव मी और नॉट आई एम नॉट गोइंग टू गडो वही है वी डू सी के किस तरह डोमिनेट करते हैं वो प्लेयर्स अनफॉर्चुनेट इन पाकिस्तान क्रिकेट जो कि अच्छा परफॉर्म करते हैं ऑब्वियसली वी गोइंग टू गिव देम क्रेडिट दैट दे रिप्रेजेंट पाकिस्तान बट फॉर हिम टू काइंड ऑफ बी लाइक कि नहीं यार आई एम गोइंग टू पुट माय फुट डाउन ठीक है ये आप आप बेशक हमने कहा कि दो तक, से लेकर दो हज़ार चौबीस तक कोई छब्बीस से सताईस सेलेक्टर्स चेंज हुए बट फॉर अस टू काट दैट राइट कॉम्बिनेशन डेट द मैजिक क्योंकि अगर आकिब जावेद साहब के अलावा मैं तो सिर्फ आकिब जावेद की बात नहीं करूँगा उसके अलावा मैं लीम डार की बात करूँगा अजहर अली की भी बात करूँगा मैं उन सब लोगों की बात करूँगा उसकी वजह यह कि इन सब की कॉन्ट्रीब्यूशन है इनके अलावा अगर कोई और लोग होते तो शायद वो आज तक अंडर हो रहे थे फॉर दावर दैट दो प्लेयर्स एक्चुअली ब्रिंग ऑन द टेबल यू नो फॉर समबडी लाइक आकिब जावेद टू कम एंड से तो देखिए उन्होंने टेस्ट मैच से पहले ही उनका बयान आज अच्छा, सब लोग देख रहे हैं वायरल भी हो गया एंड एवरीबडी वो स्प्टिकल ऑफ द फैक्ट यार एकदम से इतनी तब्दीली टीम में भी तब्दीली यू नो सिलेक्शन कमेटी में भी तब्दीली ही वॉज दैट ओनली वन पर्सन हमें एक ऐसे ऑनेस्ट इंसान ही की जरूरत थी कि जो आकर एक ऐसा बोल्ड डिसीजन ले वेदर या तो वो हमारे लिए ऑब्वियसली अगर अनफॉर्चुनेटली इफ इट वुड हैव बीन अनदर लॉस हमें लगता है कि अच्छा यार हमें अभी तक वो राइट right कॉम्बिनेशन नहीं मिला बट इट वर्कड फॉर अस यू नो ही मेड श्योर उन्होंने मैच से पहले आके ये स्टेटमेंट दी कि जी मैं कहूँगा कि ब्रश मारो ना ज़रा पेज के ऊपर इसको फर्रा करो oh. स्क्र को रफ करो घास mm. को उड़ाओ और ये क्यों नहीं होगा सौ फीसद हम जीतेंगे एंड दैट्स एक्जैक्टली वॉट हैपन जहाँ पे हमने चार पेसर्स की बात की थी वहाँ चार स्पिनर्स के ऊपर भी लोग कैप्टिकल थे शुरू में कि यार नई बॉल के साथ फिर हम क्या करेंगे बट आई थिंक जैसे आपने कहा नुमानद्स टेक एट दैथरीज वे वी एक्चुअली फील हैप्पी सो यू नो गोइंग ट वर्ड्स मैच समी लेडीज द जैनमेन यू नो पाकिस्तान ऑबीन फर्स्ट इनिंग्स मेड थ्री हंड्रेड सिक्सटी सिक्स नॉक कमरान गुलाम की टेस्ट डेब्यू पे सेंचुरी एक सौ अठारह तेरहवें ऐसे खिलाड़ी थी पाकिस्तानी जिन्होंने

They will make us run for the money. So, Shebhai, if you're around, if you're watching us, you know, it didn't really happen that way. It happened Mahin's way. So, yeah, I'm going to take that credit away from you. But you have been very fair with your analysis through and through as well. In addition to this, I think there are further more changes that I would love to speak about. Okay?

This is the first time since two bowlers have picked up all 20 wickets and they've levelled the series with England. So thank you, says, uh, Sajid and Omar, and hats off to you for the way you played. You played for the country. We could see the

वो uh, विकेट्स उन्होंने कल उठाई थी बिफोर द मैच एंडेड यू कुड सी दैट यू नो उनको उनका माइंड बना हुआ था कि हमने आके सुबह इनको आउट करना है और हमने मैच साइड पे लगा दिया और है। और 11 ओवर हुए पांच कराए और छह कराए और फिर उसके बाद एक एक विकेट दोनों ले लेकिन फिलहाल रहमान की 11 विकेट्स की जाने पड़ते हैं लेट्स गो लेट्स टेक अ गुड लुक ओह माय गॉड यू नो सो टेकिंग एडवांटेज मेकिंग श्योर दैट ही इज नॉट गोइंग टू पिच द बॉल विद इन द स्टंप्स बिकॉज़ दैट्स नॉट वेयर अ लॉट ऑफ हेल्प वाज इसके अलावा शहजाद जो नुमान की बोलिंग थी वो अपने फेस को भी चेंज करे थे वो लेंथ भी चेंज करे थे थे और उनको एक्जैक्टली पता थाज करे थे जो भी उनकी लूपी डिलीवरीज थी उन पर उनको विकेट मिल रही थीट इज वाई सो सो इफेक्टिव

सारा कुछ इकट्ठे के आज हमारे पास जिस तरह से हम जीते हैं सो वेगी वेगी विन और बहुत ही अरसे के बाद जैसे हम कह रहे हैं कि इतने अरसे के बाद हम होम पे वाकई जीतने में जी। कामयाब हुए बहुत ही अरसे के बाद एक पाकिस्तान की टीम खेलते हुए नजर आई टीम खेलते हुए नजर आई और अब मैं इसमें किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी में से नहीं जानना चाहता हूँ कि जी जब बाबर थे और शाहीन थे और ग्रुपिंग थी और क्या था आई थिंक वी आर ओवर दैट वट वी रियली नीड टू काइंड ऑफ लुक एट इज़ के फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स इफ दीज आर द राइट कॉम्बिनेशन दैट वी मूव ऑन अड विद यू नो ऐसा ना हो कि अब हम कहें कि नहीं 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 वो बड़ा सीनियर खेलेर प्लेयर था उसको वापस आना चाहिए आ, आना चाहिए शायद हो सकता है किसी और नंबर पर किसी और रिप्लेसमेंट में टॉप ऑर्डर पर कुछ ऐसे बैटर्स हमें ज़रूर नज़र आए हैं जिनको शायद डिफ़िकल्टी uh, uh, हुई है कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने के लिए अनफॉर्चुन बेशक अब्दुल्ला ने पहले मैच में सेंचुरी बनाई थी वो बैटिंग ट्रैक था वो देयर ट्रिपल सेंचुरी भी हमने देखी जो रूट का 250 से ज्यादा भी देखा तो मेरे ख्याल है यहां पे हमें सऊद के हवाले से या कहीं अब्दुल्ला के हवाले से भी बात करनी जरूर चाहिए व्हाट्स योर टेक ऑन दैट शहजाद यू नो व्हेन वी सॉ सौद बैट ड्यूरिंग द फर्स्ट टेस्ट मैच और इसमें भी इसमें तो उनकी कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली इट प्लेड की रोल इन एडिंग स्कोर्स टू द स्कोरबोर्ड बट सौद शकील थोड़ा सा उनको अपनी obviously, game improve करनी चाहिए उनका स्ट्राइक रेट बहुत लो है जहाँ पे वो जिस पोजीशन पे आते हैं वो बैट करने के लिए वहां पे उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि वो थोड़ा सा तेज खेले हिज रनिंग बिटवीन विकेट्स इज क्रूशल पार्टनरशिप्स लगाना जरूरी होता है especially इस किस्म के पे जब especially आपको, against England. जी जब आपको पता है कि ये एक बैटिंग ट्रैक नहीं है दिस इज वे इवन ट्वेंटी ट्वेंटी गुड एन हफ टू पुट अपोटल ऑन स्को बोर्ड सो यहाँ भी थोड़ा सा उनका लैगिंग था एज फार एज अब्दुल्लाज कंसर्न अब्दुल्ला ने भी अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपनी सेंचुरी तो कर दी थी बट उसके बाद सेबल टू कॉन्ट्रीब्यूट एनी थिंग यहाँ पे मैंने आपसे पहले दिन भी शायद ये जिक्र किया था कि अगर बाबर होते हैं इनकी जगह

पचास साल के बाद तकरीबन जो है वो हमने ये मौका देखा है कि दो स्पिनर्स ही आए हैं और वही मेला लूट कर ले गए एंड इट्स मोर अबाउट टेकिंग विकेट्स यू नो इन टेस्ट क्रिकेट इट इज़ नॉट दैट मच अबाउट यू नो कि आप स्कोर तगड़े करें बड़े स्कोर करें कि आपके पास कितनी विकेट टेकिंग एबिलिटी थे इस बात पर मुझे लेकिन uh,

ये थोड़ा सा पेस से डिलीवरी करवाते हैं और वो बहुत इफेक्टिव होती है exactly. so we went through the legs well. And I the mean, rotations, इनकी बॉल की जो रोटेशन आई थिंक पहले दिन जब इन्होंने अपनी बॉलिंग कराई इनकी रोटेशन ऑलमोस्ट सेवन डिग्रीज की थी सो so इस तरह की रोटेशन और इस तरह का यू नो दूज फिंगर्स दिन द बॉल बहुत आला बॉलिंग Exactly and and not just that. I think मैं यहाँ पे इस बात का भी तस्करा करूँगा कि that when cotton ball जब आप देख रहे हैं, जी। you know, जब हमने पहला टेस्ट क्रिकेट you know, right? so, you know, बात करते हैं बॉल रिवर्स हो रहा हो यू नो नॉट जस्ट दैट हम हाँ। देख रहे हैं बॉल ब्रेक हो रहा है यू you नो know, दोनों एंड से लगे हुए हैं हम दोनों वेरिएशन देख रहे हैं हम लेग स्पिन देख रहे हैं डिफिकल्टी हो रही है प्लेयर्स को आई थिंक दैट्स वे

you're enjoying that. you can see the bowler's effort and also it's very, very enjoyable to watch. Sar exactly. Bowling. and from here onwards, obviously, i do believe that in a uh, few of the post-match ceremonies, i have seen Sajid saying, jab wickets leta hun, uske baad drop <laughs> ho jata so i believe that the selection committee will actually consider him for the next game and the games to come as far as we are performing. and i think for any player, as far as they are performing, you know, they should always be a part. अकॉर्डिंग टू दंडीशन अब यहाँ पे ये डिबेट ज़रूर बनता है कि क्या अब हमारी टीम कंडीशन के हिसाब से टीम है कि अब जब हमने बैटिंग विकेट देखी तो हमने देखा कि हमें बहुत मार पड़ी जैसे ही हमारे हमारे लिए कंडीशन जो हैं वो थोड़ी कंड्यूसिव हुई हमने देखा कि हम एकदम से तगड़े हो गए हम शेर बन के आ गए तो आपका आपकी क्या राय है कि हम कंडीशन के प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या हम किसी भी कंडीशन में जाके किसी भी टीम को तगड़ा टाइम दे सकते हैं शहजाद ऑनेस्टली इस टेस्ट मैच में जो मैंने टीम देखी है यू नो द वे एवरीबॉडी वाज प्लेइंग विद द एक्सेप्शन ऑफ ऑब्वियसली वन और टू प्लेयर्स अब लगता है कि हम किसी भी कंडीशन में वीड बी एबल टू परफॉर्म एंड आल्सो दिस नहीं नहीं इट्स इट्स सो बिग ऑफ अ स्टेटमेंट दो इट इज बिकॉज़ आई विल टेल यू व्हाई ये विन हमारे लिए बहुत जरूरी थी वी गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट टू प्ले वन आई नो आई एम अवेयर ऑफ दैट तो अब इसके बाद जो रावल प्ले uh, so, हम exactly, मीर हमजा ही टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट इंग्लैंड मीर हमजा जब बॉल पुरानी हो जाती उनकी रिवर्स है उनकी स्विंग बहुत इफेक्टिव है कहीं ना कहीं जी कहीं ना कहीं हमें वकाबाई की याद आ जाती है बट ऑल्सो Uh, i'm not sure if uh, he's not in the squad. sorry, uh, joe um, khurram shahzade. he was yeah. very, very effective against bangladesh in rawalpindi. but joe, uh, ki ki i think it'll be a very good combination and it'll be a very strong combination. so you the so till the time that the pitch is going to help, or even if the pitch is not helping, even if the pitch is not helping, i think it's maybe pitch, obviously pitch ka kamal to thai, but the way that sajid and Noman were bowling, they were bowling with their brain. they were. True. They were

Uh, जो है ना सबर का उसको क्या कहते हैं लबरेज नहीं होने दिया इन्होंने पैमाना पैमाना यस yes. सबर का पैमाने को लबरेज नहीं होने दिया ही वाज कंसिस्टेंट डोमेस्टिक में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहे पिछले कुछ अरसे में टॉप परफॉर्मर भी रहे डोमेस्टिक में लेकिन पिक नहीं हो रहे थे आई थिंक इट वॉज फॉर किम टू पार्टी एज एंड मेक श्योर दैट ही

प्रेशर हैंडल करना और रेड बॉल क्रिकेट खेलना दैट इज व्हाट वर्क्स टू योर एडवांटेज एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट वे आर सीइंग डोमेस्टिक जब तक आप नहीं खेलेंगे आपकी गेम अच्छी नहीं होगी एक्जैक्टली बट यू नो थम्स अप टू ऑल ऑफ दोस पीपल हु हैव एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड फॉर पाकिस्तानस इन फैक्ट द एंटायर टीम Because now it finally looked like as if, we, as if we played like a team, and I think that we hope and pray that we know we, we move on with that, inshallah, and that we do not make some uncertain, unorthodox changes right. just for the fact that there was undue pressure onto the selection committee or anybody else or the captain. And from here onwards, obviously, I would love to congratulate Shan Masood as well. I think that you're a wonderful contribution. You may continue to kind of serve Pakistan cricket the way that you've done this time around. Let's move on towards the next game, which is which will be from. 25th, ladies and gentlemen, the last Test match and the third uh, in in uh, Pakistan, obviously, and uh, it'll be in Rawalpindi from 24th till 28th of October.

कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं अगर आपकी दो साल से फॉर्म नहीं लगी तो आप टीम के साथ लिंगर करें यू गो बैक रेस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ कम बैक यू नो दे ऑलवेज बी ए स्पॉट फॉर यू बट जहाँ पे हमें होम एडवांटेज ये तो एक बात होगी दूसरी बात कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमने होम एडवांटेज कैसे लेना है जिसकी वजह से हम ये तीन साल और ग्यारह महीनों की बात कर रहे हैं ये होम एडवांटेज आज हमें पहली दफ़ा नज़र आया कि हम कैसे ले सकते हैं इस पूरे अरसे में हम कैसे ऐसी विकेट्स बना सकते हैं जिस पर रनस भी हों wickets. Hasil kane, so that it's not a pitch that actually kind of gives us a demerit point. These are the only two, three giveaways. And then obviously on the day, the players give it their best. You know, they make sure that uh, that they're going to achieve what we thought was unachievable. You know, I think that's the spirit of the game as well. Until next time, look after yourselves. Tomorrow, ladies and gentlemen, it'll be a rest day for all of us for all the teams and the players you know so i think uh, over a weekend we will certainly we would certainly want to kind of sleep as much as we want <laughs> finally we'll get a day off but uh, obviously it will be the final of the icc women's t20 world cup in between south africa and new zealand and from 24th it will be pakistan versus england the third and the final test you know until next time look after yourselves